हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं सो के उठी हूँ। और मतलब अभी मैं फार्म से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो 2 दिन से ना मैं यहीं पे हूँ, और क्योंकि तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब है, मतलब सासू माँ का, और उनका ना पैर में चोट लग गया था, तो उसका जो है मतलब वो चल चल वगैरह नहीं पाती हैं। तो इसी वजह से अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, और अभी कुछ कुछ काम है वो करना है, और फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारा काम है, बहुत सारा, तो यही हो रहा है। और मेरा ना 2 दिन से ना कोई वीडियो गया, ना कोई ब्लॉग गया, ना कोई वीडियो, ना कोई मेरा साड़ी वाला वीडियो, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मतलब यहाँ पे अलग काम, वहाँ अलग काम, बहुत सारा काम हो जाता है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे ना फार्म के लिए कोई अगर लेबर भी रखते हैं ना, तो लेबर का ना आजकल जो है बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। तो वही मतलब करीब अगर लेबर रखते हैं ना, तो करीब वही 40 से 45 दिन उनको रहना पड़ेगा। फिर उनका ए पर डे का चार्ज के हिसाब से करीब मतलब वही 9,000-10,000, मतलब 12,000 ऐसे पड़ जाएगा 1.5 महीने में। और पर डे का वही 200-250 जो है चार्ज है यहाँ पे। और मतलब खाना भी 2 टाइम का रहता है, तो उतना ना मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं हो सकता है उतना पैसा, क्योंकि इतना इनकम ही नहीं फार्म से। फिर यहाँ पे खर्चे भी होते हैं, यहाँ पे अलग खर्चा हम लोग का, वहाँ पे अलग खर्चा, तो लेबर वगैरह ना कुछ भी नहीं रखे हैं। इसी वजह से अभी ये सारा काम करते हैं, मैं उधर खाना वगैरह और साफ़ सफाई, और बत्तख भी है तो, और देसी मुर्गी भी है, तो वो सारा कुछ जो है देखभाल। तो फिर सासू माँ ना बिल्कुल भी चल वगैरह नहीं पाती, तो इसी वजह से मैं अभी 2 दिन से यहीं पे हूँ। और मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा कि चलो कुछ ब्लॉग जो है स्टार्ट करती हूँ। तो ये है, और अभी मतलब सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, और इतना अच्छा ठंडा हवा आ रहा है इधर से। और मुर्गियों को अभी दाना पानी जो है वो देना है, और आज मुझे जाना है वहाँ पे, तो आज मैं जाऊँगी, कुछ ब्लॉग वगैरह अपना डालूंगी कुछ, क्योंकि एक दिन मतलब मैं चाहती हूँ ना कि रोज़ मेरा एक दिन ब्लॉग जाए, एक दिन साड़ी वाला मेरा वीडियो जाए, तो फिर ना हो नहीं पाता है जो मैं बोलती हूँ, जो सोचती हूँ ना वो हो नहीं पाता है। तो फिर मेरा ना तो ब्लॉग गया, ना तो मेरा वीडियो गया साड़ी वाला। तो मेरे साड़ी के नए नए कलेक्शन भी कुछ रखे हुए थे, तो उसका भी मैं वीडियो नहीं बना पाई, और फिर बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारा इधर उधर मतलब भाग दौड़ करना पड़ता है ना, घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और बच्चों का वहाँ पे गर्मी का छुट्टी पड़ गया है, तो घर में है अभी। और ये है, और हमारा जो ये मुर्गी के बच्चे हैं ना, एक हफ्ते पहले मैं दिखाई थी तो छोटे छोटे थे, अभी थोड़े से बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अभी ये देखिए, थोड़े से बड़े हो गए एक हफ्ते में ये चूजे सब। और अभी इन सारे डिब्बों में पानी, मतलब पानी वाला जितना भी है ना, ये सारा उठाना है, फिर उसको धोना है, फिर उसको नया पानी देना है। तो सुबह शाम ना डिब्बे, सारे डिब्बे धो के और नया पानी देना पड़ता है। और इन लोग का दाना तो फिलहाल अभी दाना भी देना पड़ेगा। और ये देखिए, इन लोग ना दाना देते हैं ना तो ये गंदा कर देते हैं, तो ये सब साफ करना पड़ेगा और दाना देना पड़ेगा। तो इतना सारा अभी सुबह का मतलब करीब 2 घंटे का काम होता है 2 जन का, और शाम को फिर वही 2-3 घंटे का काम होता है। मतलब शुरू से 15 दिन तक ना लेके जो है बहुत ज़्यादा काम होता है फार्म में, क्योंकि फिर सारे डिब्बे वगैरह मतलब रोज़ सुबह शाम धो के नया पानी चेंज करके अलग अलग दवाई के साथ जो है दिया जाता है, तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है।
और अभी ना सासुमा को अभी लेके भी जाना है डॉक्टर के घर, तो ये अभी लेके जाएंगे तो फिर मैं फार्म में रहूँगी। और ससुर जी भी है तो वो भी मतलब उनका भी काम है, तो वो भी अभी उनका जाना है कहाँ मतलब, तो ये है तो फिर मुझे अकेले फार्म में 2 दिन से रहना पड़ रहा है और काम भी करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो अभी देखिए आज जाती हूँ घर की नहीं जाती हूँ, तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी ना इसमें जो है पानी भरना है करीब 1 ड्रम, और इसमें फिर दवाई मिक्स करना है और फिर वही वाला पानी सारे डिब्बे में धो के जो है डालना पड़ेगा। पानी बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, अभी तो पानी ठीक आ रहा है पर बीच में ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था पानी का, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अभी ये देखिए ये सारे डिब्बे जो है ना इसको मैं एक बड़ा वाला इस बास्केट में पानी ले ली हूँ और इसी में अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी धो देती हूँ। और सुबह शाम धोना पड़ता है तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, तो बस इस पानी में मैं डुबा डुबा के उठा देती हूँ। और मेरे आँखों में ना अभी भी नींद भरा हुआ है क्योंकि रात को हम लोग करीब 1 बजे सोए थे, क्योंकि रात को ना वैक्सीन लगता है चूजों को, जैसे कि 3 बार ना मुर्गी के बच्चों को वैक्सीन लगता है, तो फिर ये फर्स्ट वैक्सीन था तो वैक्सीन हम लोग दोनों जने मिल के लगाए थे, ये लगाए थे और मैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब कुछ दवाई रहता है और दवाई में एक एक बूंद उनके आँखों में डालना पड़ता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो वो सारे वीडियो वगैरह मतलब 2 दिन से ना मैं कुछ वीडियो बना ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे अभी ये देखिए ये सारे डिब्बे में पानी अभी ड्रम में दवाई मिक्स किए थे उसमें फिर सारे डिब्बे में भर के और ढक्कन बंद करके फिर उनको जो है देना है सारे चूजों को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो एक ही बार ना मैं अभी मतलब शाम के टाइम मिल रही हूँ और उस टाइम मतलब सारा वहाँ का काम वगैरह करके ना फिर मैं ट्रेन से आ गई थी। ये ना मुझे ट्रेन बिठा दी तो मैं ट्रेन से आ गई थी और उसके बाद जो है फिर ये नहीं आ पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला और फिर डॉक्टर घर भी जाना था इसी वजह से। तो फिर मैं आई और बच्चे तो घर पे ना रहो ना तो बच्चों का झगड़ा जो इतना होता है ना पूछिए मत, तो इस तरीके से मेरा भी कुछ होता है यहाँ पे और मतलब बच्चों का लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे पहले मैं आई नहाई और इतना ज़्यादा मतलब 1 घंटा सोई, पहले खाना वगैरह बना के खा के 1 घंटा सोई क्योंकि नींद अभी भी पूरा नहीं हुआ है, पर काम करना है अभी जारी। मैं एक साड़ी का कलेक्शन का वीडियो बनाऊंगी, मतलब लाइव जाऊंगी या देखती हूँ, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड करके ही डालूंगी। और काम करना ज़रूरी है, मतलब मेरा वाला काम। और साड़ी अभी मेरे कुछ भी ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहे क्योंकि साड़ी मैं दिखाई नहीं पा रही हूँ तो मेरे साड़ी ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग को अगर साड़ी चाहिए ना तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको जैसा भी साड़ी चाहिए जो भी है मेरे पास, वो मतलब बहुत कम मार्जिन रख के ना मैं अपना साड़ी जो है सेल करती हूँ क्योंकि अभी मैंने नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग को साड़ी चाहिए ना तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरे बिजनेस को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और आप लोग को अगर साड़ी चाहिए ना तो आप मुझ पर ट्रस्ट करके ना आप साड़ी जो है ले सकते हो। तो ये है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से मतलब बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता था ना, वहाँ पे पंखा तो नहीं चलता है पर फार्म से इतना अच्छा हवा आता है ना, बहुत अच्छा। और यहाँ पे हम लोग सबसे टॉप फ्लोर पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा सा मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है और ये देखिए इतने ज़्यादा पसीने। तो ये थी मेरा आज का ये वीडियो छोटा सा, तो अगर आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं और अच्छे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय।